नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं बंदा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ छेने का खीर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान है इसको बनाना। आप डिज़र्ट के रूप में जब भी आपको मीठा खाने का मन हो, एक बार में इसको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना कर रख देंगे ना फ्रिज में, तो आप 3-4 दिन तक आराम से खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। चलो हम शुरू करते हैं बनाना। अंगूरी रबड़ी बनाने के लिए पहले तो हमें 2 जगह दूध ले लेना है। ये हमने 1.25 लीटर दूध लिया है छेना बनाने के लिए, और 1.5 लीटर दूध यहाँ पे लिया है मैंने इसका रबड़ी बनाएंगे। इसको जला के हम एकदम थिक करेंगे, गाढ़ा करेंगे। तो हम गैस को ऑन कर देते हैं। छेना बनाने के लिए, इस दूध को फाड़ने के लिए मैंने यहाँ पे विनेगर का इस्तेमाल किया है। 3 टेबलस्पून मैंने विनेगर लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी डाला है, और इतना ज़्यादा है जितने की ज़रूरत होगी। जितने में हमारा ये छेना फट जाएगा उतना ही यूज़ हम इसमें से निकाल के करेंगे। और विनेगर ना हो आपके पास तो आप इस जगह पर नींबू का रस ले सकते हैं। अभी हमें दूध में बॉयल आने तक का वेट करना है। बीच बीच में दूध को हम चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे लग जाएगा। यहाँ दोनों दूध में बॉईल आ गया है। अब आंच को एकदम मीडियम लो पे करके इस दूध को ना एकदम बॉईल करके हमें आधा कर देना है। और ये हमारा दूध जो है रेडी हो गया है, इस पर बॉयल आ गया है। इसको हम बंद कर देंगे। 5 मिनट हम इसको थोड़ा सा ऐसे कूल डाउन होने देंगे। देन इसके बाद इसमें हम डालेंगे विनेगर, इसको फाड़ेंगे, इसका छेना बनाएंगे हम। 5 मिनट हो गया है, अब इसमें हम विनेगर डाल के दूध को फाड़ेंगे। अभी 1 टेबलस्पून हमने डाल दिया है विनेगर को, और ऐसे मिक्स करेंगे। और इसको हमें 5 मिनट के लिए रेस्ट पे इसलिए देना है कि जब हम बनाएंगे ना इसका छेना का, जब हम बॉईल करेंगे ना, जब अंगूर जो रबड़ी है बनाएंगे ना, वो बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट होगा। इसलिए थोड़ा सा हमने दूध को कूल डाउन किया है। और अगर मैं आप सिर्फ पनीर बना रहे हैं सब्जी वगैरह के लिए, तब ये टेम्परेचर डाउन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। वैसे भी काफ़ी सॉफ्ट होता है, बिल्कुल भी आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आप पनीर की सब्जी वगैरह के लिए पनीर बना रहे हैं छेना, तो अभी इसमें और जाएगा विनेगर। यहाँ पे हमें इस तरह से फाड़ना है दूध को। पानी एकदम अलग हो गया है और छेना अलग हो गया है। और ये मैंने मिल्क फुल फैट लिया है, होल मिल्क लिया है। और कुछ भी करना है इधर काम साइड में, लेकिन इस दूध पे आप ध्यान दिए रहना, बीच बीच में इसको मिक्स करते रहना। मैंने यहाँ पे बड़ा सा बर्तन ले लिया है, उसके ऊपर स्ट्रेनर रख दिया है। अब चीज़ क्लॉथ हम ऊपर फैलाएंगे। आपके पास ना हो तो आप कॉटन का कपड़ा एक पतला सा फैला सकते हैं। अब इसके ऊपर हम ये हमारा छेना जो है ये हम पूरा छान लेंगे। अब इसको हमें क्या करना है, हमें इस तरह से इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से स्क्वीज कर देना। अभी बहुत गर्म है, हमें इसको अभी ठंडे पानी से वॉश करना है। ये वॉश हो गया है, अब इसको हम पानी से निकाल करके जितना पॉसिबल हो उतना आप पानी इसको स्क्वीज़ करके निकाल देंगे। हमें पनीर एकदम बढ़िया सूखा छेना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। तो नहीं, अगर मैं आप स्क्वीज़ कर सकते हैं एक बार में, तो आप इसको 2-3-4 घंटे के लिए ऐसे हैंग कर देंगे किसी चीज़ पे ऐसे लटका के, तो पानी अपने आप निथर जाएगा, पूरा निकल जाएगा। तो मैं अभी इसको हाथ से ही इस तरह से स्क्वीज़ करके सारा पानी इसमें से निकाल लूँगी। यहाँ पे मैंने छेना को निकाल लिया है बड़े से बर्तन में। हमें ना हथेली की सहायता से हमें एकदम इसको चिकना करना है, इतना गुनना है कि ये एक सार हो जाए, एकदम अच्छी बाइंडिंग इसमें होने लगे। यहाँ पे एकदम बढ़िया, एकदम देख सकते हैं कितनी अच्छी बाइंडिंग आ गई है इसमें। अब इसमें से हमें छोटा छोटा पोर्शन ले के ना हमें अंगूर के साइज़ का ना इसको शेप देना है, बोल बनाना है। अगर मैं इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा तो वो रसगुल्ला बन जाएगा। अगर मैं आपको खीर बनाना है तो आपको इतना छोटा छोटा गोली आपको बनाना होगा, क्योंकि ये अभी जब हम इसको बॉईल करेंगे ना तो ये साइज़ में डबल हो जाएगा। तो इस चीज़ पे आप ध्यान देना, एकदम छोटा छोटा अंगूर के साइज़ का आप बनाएंगे बॉल्स। यहाँ पे पूरा बना करके रेडी कर लिया है। यहाँ पे मैंने पहले से ही पानी रख दिया था बॉईल होने के लिए, 8 कप पानी रखा है मैंने यहाँ पे। मेक श्योर यही करना कि पानी ज़्यादा क्वांटिटी में रखेंगे, ताकि हमारा जो ये छेना है अंदर डालूँ तो एकदम फैल के पके। और बर्तन बड़ा लेना, छोटे बर्तन में मत बनाना।
8 कप पानी में 1 कप मैं यहाँ पे शक्कर डाल रही हूँ, क्योंकि ये एकदम मीठा हमें नहीं चाहिए, ये पानी हमें बाद में इस्तेमाल इसका नहीं होगा, इसको सिर्फ़ हमें छेने को बॉईल करने के लिए चाहिए। अब इसे हमें चलाते हुए शक्कर को मेल्ट करना है। यहाँ पे शक्कर में बहुत ही बढ़िया उबाल आने लगा है, इसी तरह का उबाल आएगा तभी हम इसको पूरा इसमें डालेंगे। अब इसको हमें मीडियम हाई फ्लेम पे इसको 20 मिनट तक पकाना है। इसको चलाने की हमेशा ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में एक बार इस तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे एकदम हल्के हाथ से, और 20 मिनट तक हमारा एकदम परफेक्ट अंदाज है, 20 मिनट में हमारा ये रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज़ ये डबल हो गया है, यहाँ पे हमें 20 मिनट हो गया है बॉईल करते हुए, ये एकदम बढ़िया पक गया है। आँच को बंद करके इसी चाशनी में हम कम्प्लीटली इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ऐसे ये रबड़ी भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी होने को आ गया है, बढ़िया मलाई इसमें पड़ रहा है, काफ़ी थिक हो चुका है, और इसका कलर आप देख सकते हैं कितना चेंज हो गया है। अच्छा, आप अगर मैं केसर पसंद करते हो ना, केसर का फ्लेवर, तो आप इसी वक्त आप डाल सकते हैं, साथ में बॉईल होगा, बढ़िया केसर का टेस्ट आ जाएगा। मैं ऊपर से सिर्फ डालूंगी केसर, और अब इसमें हम शक्कर डालेंगे क्योंकि 5 मिनट का कसर इसमें और बाकी है। तो इसमें मैं 1/3 कप मैं शक्कर डाल रही हूँ, इसलिए 1/3 कप शक्कर डाल रही हूँ। दूध काफ़ी मीठा हुआ है बॉईल होके, वो हो जाता है, प्लस हमने जो छेना हमारा चाशनी में बॉईल किया है वो मीठा हो गया, और इतना शक्कर इसमें जाएगा ना तो एकदम परफेक्ट मीठा होगा। अगर मैं आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो इस जगह पे आप 1/2 कप शक्कर डालेंगे तो एकदम अच्छा मीठा होगा, लेकिन वही है, आप घर पे बना रहे हैं तो मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हमें 5 मिनट और बॉईल करना है, देख सकते हैं कितना थिक हो गया है हमारा दूध। ये रबड़ी हमारा रेडी हो गया है, एकदम थिक हो गया है, अभी ये ठंडा होगा तो और थिक हो जाएगा, इतना परफेक्ट है थिकनेस इसका। आँच को हम बंद कर देंगे, और इसमें हम अगर मैं आप पसंद करते हैं तो इलायची का पाउडर डालें, नहीं तो ना डालें। मैं 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर डाल रही हूँ इसमें, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। बढ़िया मिक्स करके इसको हमें थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, आप गर्मा गर्म भी बना कर खा सकते हैं, लेकिन जो मज़ा ठंडा होने का है ना वो गर्म गर्म में शायद ना आए, और नहीं आता है। ये सब मिठाई जो होती हैं थोड़ा एकदम चिल्ड अच्छा लगता है, गर्म में इतना टेस्टी नहीं लगता है, इसको ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। यहाँ पे छेना हमारा एकदम बढ़िया ठंडा हो गया है, और मैंने रबड़ी को भी थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, पूरा तो ठंडा नहीं हुआ है, थोड़ा सा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, चाशनी से निकालेंगे और हल्के हाथ से बढ़िया स्क्वीज़ करेंगे, जितना इसमें से इसका चाशनी निकल पाए उतना हम निकाल देंगे। इस तरह से हम स्क्वीज़ करके जिस प्लेट में हमें रखना है उसी में रखते जाएंगे। अब इसके ऊपर से हम रबड़ी डाल देंगे पूरा। यहाँ पर हमारा एकदम बढ़िया छेने का खीर बनकर रेडी हो गया, अंगूरी रबड़ी, कितना यम्मी लग रहा है ना देखने में, एकदम बढ़िया फूल फूल के एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर हम गार्निश कर देते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। मैंने पिस्ता डाल दिया, थोड़ा सा बादाम डाल देंगे, और यहाँ पे सूखा रोज़ गुलाब का पत्ती जो है वो हमने ले लिया है, ये थोड़ा सा डाल देंगे, और बहुत थोड़ा सा हम यहाँ पे डाल देंगे केसर, बहुत थोड़ा सा। इस तरह से आप लोग भी छेने का खीर बढ़िया बना करके एंजॉय कर सकते हैं, देखने में कितना टेस्टी लग रहा है ना आपको मैं बताऊँ, सचमुच खाने में बहुत ही बढ़िया अमेजिंग लग रहा है। ये बिल्कुल भी ज़्यादा मीठा नहीं है, इतना मीठा है कि आप एक साथ में बहुत सारा खा सकते हो, मन नहीं बोर होगा। इस तरह से आप लोग भी बना करके एंजॉय कर सकते हैं। इसको बना के ना अगर मैं 2 घंटे के लिए रख देंगे ना फ्रिज में ना, एक तो ठंडा ठंडा खाने में बहुत मज़ा आता है, और वो जो हमने अंगूर बनाया है वो इतना सॉफ्ट हो जाता है, मुंह में जाते ही खुल जाता है। एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करना, ये रेसिपी बहुत अच्छा लगेगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, जो नए हो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ, थैंक यू, बाय।